नमस्कार, खबर हरियाणा प्रदेश की शान में आपका स्वागत। पेश है अभी तक की खबरें। बहादुरगढ़ शहर के पूर्व विधायक नफे सिंह राठी ने कहा कि अगर एक सप्ताह में सरकारी जमीन पर हो रहा कब्जा नहीं रोका गया तो वह शहर की जनता के साथ सड़कों पर उतरेंगे और बहादुरगढ़ में हो रहे सरकारी व नगर परिषद की जमीनों पर कब्जे को लेकर पूर्व विधायक नफे सिंह राठी ने प्रेसवार्ता में कहा कि पिछले 20 दिन से लगातार मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार व संबंधित सभी अधिकारियों को अवैध अतिक्रमण के बारे में अवगत कराने के बावजूद भी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। वहीं पूर्व विधायक नफे सिंह राठी का इस बारे में कहना है कि 100-125 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे करवाए जा रहे हैं, जिसमें भू माफिया के साथ सरकार के अधिकारी और बीजेपी के नेता शामिल हैं और नगर परिषद के अधिकारी और पदाधिकारी उसमें शामिल हैं। और ताजुब है कि नगर परिषद की PWD की जमीन के नगर परिषद ने नक्शे पास कर दिए। हमने 20 दिन से लगातार मीडिया के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी को, PWD मंत्री जी को और लोकल बॉडी मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी को और अधिकारियों को, 18 लोगों को हमने कंप्लेंट भेजी और वो कंप्लेंट उनको मिल चुकी है। इसके बावजूद तामीर जारी है, लगातार दिन रात तामीर चल रही है, अवैध निर्माण चल रहा है। रजिस्ट्री खसरा नंबर 2335 और 2336 की है और कब्जे 2337-38 में दिए जा रहे हैं, जबकि उसको रोकने का काम अधिकारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए 20 दिन से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं बहादुरगढ़ की जनता से कि पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के लोग इसमें शामिल हों और आवाज़ उठाएं सरकार की कारगुजारियों के खिलाफ। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये नीति है कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ये सरेआम भ्रष्टाचार और यार सरकार रोक नहीं रही है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि अगर एक हफ्ते में इस सरकार ने उस तामीर को नहीं रोका तो हम बहादुरगढ़ की जनता के साथ, क्योंकि जनता की प्रॉपर्टी है, बहादुरगढ़ की जनता के साथ रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे होंगे और पूरे बाजारों में जुलूस निकालते हुए प्रशासन का पुतला फूकेंगे गांधी चौक में। ये हमने फैसला लिया है। कोर्ट भी जाएंगे और अगर सरकार ने फिर भी ध्यान नहीं दिया तो फिर माननीय हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर होंगे, क्योंकि ये एक अपराधियों का, भूमाफियों का और सरकार के अधिकारी और पदाधिकारी पर एक गठजोड़ हो गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जे करवाए जा रहे हैं।